अक्षय तृतीया के मौके पर भोपाल में भगवान परशुराम की जयंती भव्य तरीके से मनाई जाएगी। लालघाटी स्थित गुफा मंदिर प्रांगण में करीब 21 फीट की 4 टन वजनी प्रतिमा का अनावरण भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि अब मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों को भी साधने की तैयारी की जा रही है। भोपाल में भगवान परशुराम की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण अक्षय तृतीया के मौके पर होगा। सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में इसका अनावरण किया जाएगा। भोपाल के गुफा मंदिर प्रांगण में 4 टन वजनी इस प्रतिमा का भव्य अनावरण अक्षय तृतीया यानी परशुराम जयंती के दिन किया जाएगा। इस दौरान 1100 वैदिक ब्राह्मण स्वस्ति वाचन की प्रस्तुति देंगे, तो वही 5000 से ज्यादा ब्राह्मण महिलाएं कलश यात्रा में शामिल रहेंगी। संपूर्ण भोपाल का सनातन समाज, संपूर्ण हिंदू समाज इसको अक्षय महोत्सव के रूप में मनाएगा। यहाँ पे प्रतिमा का वैदिक रीति रिवाज से पूजन अर्चन चलेगा, जो 1 मई को होगा, 2 मई को होगा, 3 मई को होगा। यहाँ पे प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। भगवान श्री परशुराम प्रतिमा प्रतिष्ठा समारोह समिति के द्वारा गुफा मंदिर परिसर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। जिस तरह की सजावट यहां पर की जा रही है उसकी शोभा देखते ही बन रही है। आयोजन समिति की ओर से यहां पर विशेष रूप से कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ब्राह्मण समाज इस कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साहित है। अक्षय तृतीया के दिन सभी गुफा मंदिर पर उपस्थित हों। सुबह आठ बजे 1100 ब्राह्मणों के साथ मंगलाचरण होगा, स्वस्ति वाचन होगा और भगवान शिव का अभिषेक होगा। भगवान शिव के अभिषेक के उपरांत भगवान परशुराम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 21 फीट ऊंची भगवान परशुराम की प्रतिमा यहां पर स्थापित है। माना जा रहा है कि ओबीसी और SC/ST वर्ग के बाद अब मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों को भी साधने की कोशिश की जा रही है। देखना होगा कि इस भव्य आयोजन के बाद ब्राह्मणों की दशा और दिशा किस तरह से तय होती है और BJP को उसका कितना फायदा मिलता है। देश भर में भगवान परशुराम की सबसे बड़ी जो प्रतिमा रहेगी वो राजधानी भोपाल में स्थापित होने वाली 21 फीट की यही प्रतिमा रहने वाली है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। वहीं भगवान परशुराम का एक मंदिर भी गुफा मंदिर में बनाया जा रहा है, जहां पर श्रद्धालु आकर पूजा अर्चना कर सकेंगे। जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें, भगवान परशुराम को लेकर लगातार जो गौरव गाथाएँ वो गाई जाती हैं, लेकिन अब उनकी जो भक्ति करने का अवसर है वो लोगों को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक भव्य प्रतिमा के सामने मिलने वाला है। जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल।